उत्तर प्रदेश के आसमान में सर्दियों का मौसम है। लेकिन जमीन पर कुछ गर्मी अभी भी बरकरार है, क्योंकि यहां 2022 का चुनाव है और इसी चुनावी माहौल की गर्मी को महसूस करने हम भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश, और ये जिला है फर्रुखाबाद। दावा करने और दवा देने में फर्क होता है, और ये फर्क हमें बखूबी दिखा है इस जगह में। इस जगह का नाम है अमृतपुर, विधानसभा अमृतपुर। और हमने बात की यहाँ कुछ लोगों से। क्या बताएं भैया, इस विधानसभा में क्षेत्र में सिर्फ डॉक्टर साहब की लहर है। कैसे कि यहाँ डॉक्टर साहब ने जितना किया है उतना कोई ना विधायक कर सके और ना सांसद कर सके। मैं रणजीत सिंह राठौर, ग्राम पोस्ट हरियरपुर बीरपुर, जिला फर्रुखाबाद, तहसील अमृतपुर, थाना राजेपुर का रहने वाला हूँ। और मैं बताना यह चाहता हूँ कि हमारे भाई का एक्सीडेंट बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में मेरे पास फोन आया बॉम्बे से, तो मैं अपने भाई को बॉम्बे लेने चला गया। जब वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो देखा तो उसकी हालत ज़्यादा सीरियस थी, तो मैंने डॉक्टर जितेंद्र यादव जी को फ़ोन किया। मैंने बताया दादा ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप वहाँ से रिफ़र करा के यहाँ ले आइए, वहाँ ज़्यादा पैसे में खर्चा होगा। तो मैं वहाँ से तुरंत वापस रिफ़र कराया और फर्रुखाबाद लेके आया। यहाँ ला के उसको एडमिट किया, और डॉक्टर साहब भी आए देखने के लिए। डॉक्टर साहब ने देखा, इलाज के लिए तुरंत दिल्ली से डॉक्टर बुलवाया। 2 महीने उसका इलाज चला परमानेंट, दिल्ली का डॉक्टर यहीं रहा। इलाज चलने के बाद उसका कान जो था वो कान कट गया था, तो कान का ऑपरेशन 3 बार किया गया, लेकिन कान नहीं बच पाया उसका। तो दादा बोले चलो ऐसा करो, डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा करो रणजीत सिंह, मैं कान तो नहीं बचा पाऊँगा, इसका कान तो काटना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो मैंने बोला उनसे ठीक है काट दीजिए आप कान, तो उन्होंने कहा तो इसकी सर्जरी हो जाएगी दोबारा। सर्जरी हो जाने के बाद तुमने ठीक है चलो सर्जरी करवा देंगे, कान वैसा वैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद जब मेरी छुट्टी होने गई थी उसकी, तो मैं इतना तो पैदा था नहीं मेरे पास, मैंने कहा दादा के पास पहुंचा। हाँ वही होली का टाइम था, होली के 2 दिन पहले छुट्टी होके आई थी, तो इतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया ऑफिस में, मैंने दादा भाई की छुट्टी करानी है तो आप पैसा बताइए। तो उन्होंने कहा कैसा पैसा, वो तुम्हारा भाई है तो हमारा भी भाई है, तुम्हारा भाई है तो हमारा भी भाई है, आप जाइए। उन्होंने तुरंत एकदम अकाउंट जो उस पर बैठता है रिसेप्शन पे, उसको तुरंत फ़ोन लगाया और मेरे को एक चिट्ठी बना के दी, जिसको मैं लेकर रिसेप्शन पे गया और जमा कर दी। डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे, डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे अगर टिकट मिल जाता है। नहीं अगर वाली बात तो 1% है। हाँ 1% है वो तो, टिकट तो उन्हें मिलना ही मिलना है। टिकट मिलेंगे मिलेगी और वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति हैं, उन लोगों की मदद करते रहते हैं। हर बार वादे नहीं जीतने चाहिए, इंसानियत भी जीते तो बात बने। सिर्फ बतकहे नहीं जीतने चाहिए, सिर्फ बतकहे नहीं जीतने चाहिए, काम करने वाले भी जीते तो बात बने। डॉक्टर जी जो हैं वो बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं। एक बार हम पर आपत्ति पड़ी, हमारा लड़का था 6 साल का, उसका चारा कटाई वाली मशीन से हाथ कट गया था, तो हम नए नए अलग हुए थे, मेरे पास 1 कौड़ी पैसा नहीं था। भाई साहब हमारे जितेंद्र जो गुजर गए हैं, उन्होंने बताया था कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए, आपका तुरंत फौरन फ्री इलाज होगा।
अभी जब सैलाब आया था तो आप लोगों को भी दिक्कत हुई होगी, सभी की खेती नुकसानी हुई होगी। वो नहीं आया कभी यहाँ विधायक जी, विधायक जी बिल्कुल नहीं आए। डॉक्टर साहब ने यहाँ मेरे नाव दी, दवाई बांटी, कैंप लगा के हर जगह दवाइयाँ बंटवाई, राशन बंटवाया, राशन दिया, दवाइयाँ नाव दी, नाव नाव दी। अरे इतने पानी में उतर गया, आपको वीडियो दिखाया डॉक्टर साहब, दो तीन दिन फुट गए थे इतने तेरे पानी में, डॉक्टर साहब खुद घूमे क्षेत्र पूरे। डॉक्टर साहब जी का कैंप लाके आके लगा मंदिर पर, सारे गांव को सूचना मिली, उन्होंने दवा फ्री बिल्कुल बंटवाई, किसी से नया पैसा नहीं लिया गया। मैं सोचता था करीब 7-8 लाख का तो बिल बन ही गया होगा भाई। दिल्ली के डॉक्टर अगर आएगा, वो वहाँ पे बैठेगा, इलाज करेगा 2 महीने परमानेंट रह के, तो 7-8 लाख तो मान ही लो बिल बनता है। फिर भाई मैंने रिसेप्शन पर जाके जमा कर दिया और भाई छुट्टी कर दी। डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँचे, वास्तविक डॉक्टर साहब से मिले, मुझसे एक नया पैसा नहीं लगा, हमारा बच्चा बिल्कुल सही हो गया डॉक्टर साहब की जरिया से। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी हमारे साथ मेहरबानी की, मैं डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ और एहसान बंद हूँ। सपा, आप पूरा गांव मुझे लग रहा है कि सपा के ही सपोर्ट में है, है ना? लगभग पूरा गांव, हाँ करीब करीब लगभग 80% वोट सपा के हैं। नहीं हुआ, हुआ ही है सपा है। सपा के कार्यकाल में जिनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत हमारा गांव दिया गया था, उस जिनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत गांव का विकास हुआ, तो गांव के तो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे ही। सही बात है, और हमारा पूरा गाँव इस बात को चाहता है की डॉक्टर साहब आ जाए। मेरा नाम योगेंद्र है, गांव का नाम खाकिन है। हम छोटे थे तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और इसलिए हमारे घर पर बहुत दिक्कत थी। तब पिताजी ख़त्म होने पर माँ भी परेशान हो रही थी, तभी डॉक्टर साहब के आदमियों को पता चला, हाँ उनके गांव खाकिन गांव में एक बच्चा है, वो बहुत परेशान है। तभी डॉक्टर साहब आए, मेरी मदद की, मेरे द्वारे आए और मदद की, और अपने कॉलेज में टीचरों से कहा इसे बच्चे को ध्यान से पढ़ाना। तो ये चीज़ सब देखते हुए जब मैं उसको घर लेकर आया, पापा ने पूछा कि कितने पैसे लिए, हमने डॉक्टर साहब ने एक भी पैसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, कैसे, क्या हुआ? हमने उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा भाई है, हमारा भी भाई है। जो अभी तक यहाँ के विधायक थे, उन लोगों ने क्या काम किया? हमारे गंगा पार में कोई काम ही नहीं दिखाया। गंगा पार में कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। मैं गया था उधर की भाई धड़कें बनी जो समाजवादी पार्टी की टाइप की बनी हुई है, मेरे यहाँ कोई काम ही नहीं विकास। सुशील साहब और MP साहब कौन है? वो मुकेश राजपूत जी। हाँ, हमारे गंगा पार क्षेत्र तो देखा नहीं है। सुशील साहब 4.5 साल होने जा रही, हम लोग पहचानते रहे, पहचाने नहीं, विधायक होने के बावजूद अभी तक क्षेत्र में भ्रमण नहीं हुआ। एक वोट दी, हाथ उठाए, एक हमें पूरे लो पक्को चाहिए। तो जब से बीजेपी सरकार चाकिया जी आए तब से काम बंद, सारे काम बंद है। तो मंत्री जी का आलम है, वो पार्टी चेंज करते हैं, इधर चले गए भाजपा में कहीं। अभी विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, मंत्री जी ने अपने लड़के को चुनाव लड़ाया, पार्टी के साथ गद्दारी की, अध्यक्ष में भी की, नारे लगे वहाँ। अच्छा, और तो मुर्दाबाद के नारे लगे नहीं? अरे वोट दो, हम तुम्हें पक्का कर देंगे, और जब वोट दे दे तो पक्का चले जाते। 5 साल हो गए, 5 साल उन्होंने उस पीपा पुल को बनवाया, बनवा ना पाए वो। हाँ 1.5 साल से तो ऐसा ही बना पड़ा हुआ है खाली। 5 साल में बीजेपी की विधायक ने कोई बड़ा काम करके दिखाया? गाँव वाले कहने की यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिए। नहीं, गंगा पार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। एक जो ITI स्कूल बना हमारा दौलतपुर में, ये भी समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में बना। तो जितेंद्र को बहुत। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी है। हाँ। डॉक्टर साहब हाँ। कुछ नहीं हाँ। फिर भी जनता की मदद कर रहे हैं। जो भी हैं वो सही हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। उनके पास मान लो बहुत अपने उपकार उन्हें हमने कराए, व्यक्तिगत अपने उनसे
जैसे गरीब लोगों के मतलब इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, उन्हें पेट चिरवाए, लोगों के पदरी निकलवाई, बहुत सारे उनके हॉस्पिटल में जाके। और रही विकास की बात, विकास तो उनका खुद स्वयं दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए शिक्षा। शिक्षा के लिए जब मैं उनके पास जाता हूँ, कई एक मैंने उनके कॉलेज में एडमिशन भी करवाए, तो उस एडमिशन से मैंने उनसे कहा तो उन्होंने तुरंत छूट कर दी, तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से होने लगी। और बच्चों को यही चाहिए, गांव है जैसे, तो गांव में तो कोई किसानी आदमी है, कोई अमीर आदमी तो है नहीं, बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं पाता है, तो मैं सीधे यहीं से डॉक्टर साहब के पास भेज देता हूँ और वो तुरंत उसका एडमिशन कराते हैं, करते हैं, और कराने के बाद में उनको शिक्षा मुहैया कराते हैं। पढ़ाई का सारा खर्चा उन्होंने दिया मेरा, और अब भी दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं। वो कायमगंज का एक लड़का था, तो आया, वो विकलांग हो गया था बेचारा, तो आया यहाँ कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आया, और उसने अपना इलाज डॉक्टर साहब की देखरेख में उसका इलाज हुआ। जब यहाँ सही से नहीं ठीक हुआ तो उन्होंने वहाँ लोहिया भेजा, फिर वहाँ अपने डॉक्टरों को भेजा, उसके लिए उसकी देखरेख में अच्छा सा इलाज हुआ। जब वो पूरी तरह से नहीं ठीक हो पाया तब वो यहाँ ले आए, उसको लेके गेट के पास में, अपने हॉस्पिटल के गेट के बाहर उसे एक खोखा रखवाया। खोखा रखवाने के बाद उसे चाय पकौड़ी बिस्किट की एक दुकान रखवाई, और रखवा के उसको रोज़गार दिया। और वो अच्छे से सबकी मदद करते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, लोगों को रोज़गार देने में हमेशा उनकी मदद करते हैं भाई। जो गरीब आदमी को उनने हमारी मदद करी, तो इसलिए हम उनके लिए तैयार हैं आज। और उनके पिताजी बद्दू जी जो हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, जो कि ऐसा फर्रुखाबाद ज़िले में एक होनहार व्यक्ति डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव हुए हैं, ये सब दद्दा जी की देन है। और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र साहब ने पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है, और वो भी अपने पूरे फर्रुखाबाद ज़िले का नाम रोशन किया है हर चीज़ में। उनका अस्पताल भी है, कॉलेज भी हैं, और ब्लॉक प्रमुख भी हैं इस टाइम, और वो भी हैं निर्विरोध। भाजपा सरकार में आज तक काफ़ी लोगों को तो पर्चे फाड़ दिए गए, लेकिन उनका क्यों नहीं फाड़ा गया भाई? वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, कभी आज तक गुंडई की नहीं है किसी से आज तक, और हर भलमनसी में उनका रिकॉर्ड है हर जगह, इसीलिए उनका पर्चा नहीं फाड़ा गया। देखिए, भाजपा वालों ने कहते थे गुंडई नहीं होती, गुंडई तो क्या नहीं, गुंडई तो हुई भाई, पर्चे फाड़े, सब काम किए गए, लेकिन डॉक्टर साहब की भलमनसी वजह से कुछ नहीं हुआ, और वो भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए। और हमारा तो भाई उनसे अच्छा संबंध है, सब चीज़ है, और उनके एहसान हैं हमारे ऊपर, मैं कभी ऐसे एहसान उनके भूलूंगा नहीं, मैं कभी। दर्द हमने दिया है दवा कोई भी दे देगा, दर्द हमने दिया है दवा कोई भी दे देगा, पर इस दर्द की दवा सिर्फ डॉक्टर साहब के पास है।